इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से इशू आता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, यहाँ पर लिखा हुआ था आपको डिवाइस मैनेजमेंट, दिस डिवाइस बिलोंग्स टू फाइनेंस्ड बाय डिवाइस फाइनेंसर, और यहाँ पर और इशू क्रिएट होते हैं जैसे कि यूअर आईटी एडमिन मॉनिटर एंड मैनेज सेटिंग्स कॉरपोरेट और एक्सेस ऐप डेटा एसोसिएट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिंबल्स निकल कर आता है और ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन को रन नहीं करने देता। तो एक्चुअली में दिक्कत क्या रहती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक्चुअली में दिक्कत सिर्फ इतनी रहती है कि हम अपने फ़ोन को फाइनेंस कराए रखते हैं। फाइनेंस मीन्स हम जो है फ़ोन लोन पर लिए रखते हैं, और जब हम फ़ोन को लोन पर रखते हैं तो हमें किस्त भरनी रहती है उसकी। अगर हम उसकी सक्सेसफुली किस्त भरते हैं तो पूरी किस्त भरने के बाद ये वाला इशू क्रिएट नहीं होता। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं कि उन किस्त को जो है बिना भरे ही उसके अंदर जो है, मतलब बिना भरे ही उसको यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन को रिस्ट्रिक्ट लगा देती है उसकी एडमिन ऐप्स और वहाँ से उसको ख़त्म कर देती है। तो इसको ठीक करने का कुछ उपाय है, तो उपाय ये है कि आप अपनी किस्त को भरिए तो आपका यहाँ से ये हट जाएगा। आप एक दो किस्त और जमा करिए अपने फ़ोन की तो वो इनडायरेक्टली चला जाएगा। अगर आप भरते नहीं हैं तो आपके पास लीगल केस भी हो सकता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको ऐसे डायरेक्ट ठीक करने का प्रोसेस है, वैसे है EMI वगैरह चेंज करने के बाद ये ठीक हो जाता है, बट ये इलीगल रहता है, इसकी वजह से आपके ऊपर केस भी हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। बाकी यही इस तरीके का इशू रहता है। यहाँ पर आपको समझ में आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।